आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है कि आज 1,60,00,000 रिक्त पद पड़े हैं पूरे राष्ट्र में सरकारी नौकरी। तो जब सरकार के पास रिक्त पद भी है, खाली पद भी है और उसके साथ पैसा भी है, तो भर्तियां क्यों नहीं हो रही? चुनाव से पहले वरुण गांधी ने कर दिया बड़ा खेला, भाजपाइयों के खेमे में भारी दहशत। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा सीट के सांसद वरुण गांधी ने अपने प्रतिनिधि को दिल्ली से भेजकर 4 सेट नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा है। जी हां, बताया जा रहा है कि सांसद वरुण गांधी के प्रतिनिधि दिल्ली आए और नॉमिनेशन फॉर्म लेने के बाद वापस चले गए और इसके बाद से ही अटकलें तेज हैं कि वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की सूरत में वे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनके संपर्क में वरुण गांधी नहीं है। अब आपको बता दें कि ऐसे में इंडिया गठबंधन से भी टिकट न मिलने की सूरत में वरुण गांधी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पीलीभीत लोकसभा चुनाव में देखे जा सकते हैं। हालांकि वरुण गांधी के प्रतिनिधि निर्दलीय उम्मीदवार बनने के मामले में कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी सांसद वरुण गांधी को पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी। फिलहाल ये आपको बता दें कि उनके जगह पर बीजेपी अपने कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी कोई भी नेता को उम्मीदवार बनाने से पहले ग्राउंड जीरो पर फीडबैक लेती है और ऐसे में वरुण गांधी का बात कर ले तो वरुण गांधी का फीडबैक नेगेटिव आया है और सूत्र यह भी बताते हैं कि भाजपा के हाईकमान यह तय कर चुका है कि इस बार वरुण गांधी का टिकट कटेगा। फिलहाल हालांकि आपको बता दें कि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सीएसी की बैठक में ली जाती है। कहीं न कहीं वरुण गांधी को भी इसकी भनक लग चुकी है कि इस बार भाजपा उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि को दिल्ली से भेजकर सेट नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा है। तो वरुण गांधी ने चुनाव से पहले ये बड़ा खेला कर दिया है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।